इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे आईफोन में इस तरीके से हमें दिखाता है आईफोन सिम इज लोकेट, तो यहाँ पर क्या दिक्कत रहती है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें करना क्या चाहिए जब इस तरीके से लिखा हुआ है तब, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ था। देखिए, जैसे हम इसको खोलेंगे, सबसे पहले अपना आईफोन का पासवर्ड हम डाल देते हैं, जो भी हमारा पासवर्ड है वो हम यहाँ पर एंटर करते हैं। उसके बाद हमें डायरेक्टली सिम का पासवर्ड दिखा देगा ये। अब देखिए, अगर आपको नहीं पता है तो बिल्कुल मत डालिए, अगर आपको पता है तो डाल दीजिए। यहाँ पर आपको पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी। अगर आप पैनिक होते हैं तो यहाँ पर आपकी खतरे की घंटी बज सकती है, ठीक है। आपको अगर सिम चालू नहीं करना है तो यहाँ से इसे बस सिर्फ कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। आपका सिम बंद हो जाएगा, लेकिन जैसे भी आप कैंसिल करेंगे तो आपका फ़ोन यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, तो सिम यहाँ पर बंद हो जाएगा, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, जैसे कि हमारा सिम भी स्टार्ट हो जाए, हमारा फ़ोन भी यहाँ पर वर्क हो जाए। देखिए, यहाँ पर फ़ोन की कोई भी गलती नहीं रहती। जब आप यहाँ पर अपने सिम कार्ड में जाते हैं तो एक्चुअली पिन यहाँ पर आपको जो है गलत हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर पिन आपको डालनी रहती है, इसको बंद करना रहता है। अब बंद कैसे करेंगे, देखिए, आप जो है जौन सी भी कंपनी का आपके पास सिम है, जैसे कि मान के चलिए एयरटेल का है, तो आप किसी दूसरे बंदे का एयरटेल का सिम ले लीजिए एंड सिंपली कस्टमर केयर कॉल मिला लीजिए। आप कस्टमर केयर तो कॉल मिला ही लेंगे और उनसे PUK कोड मांगिए, ठीक है। PUK कोड जैसे ही आप मांगेंगे तो वो आपको बता देंगे, और फिर यहाँ पर आप चेंज पर टिक करके उसको चेंज कर सकते हैं। एंड चेंज करने के बाद आपका जो है पिन आपको पता चल जाएगा, तो फिर आप उसे चेंज भी कर सकते हैं या बंद भी कर सकते हैं। बट आप ज़्यादा गलत मत डालिए, अगर सिम आपका ब्लॉक हो गया तो वो स्टार्ट नहीं करेंगे, फिर आपको दोबारा से नया सिम निकलवाना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस रहता है इसका सिंपल सा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।